हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक जिसको आप डे फंक्शंस में कर सकते हैं। जैसे कि अभी वेडिंग सीजन ऑन है, इसको आप आराम से किसी भी वेडिंग के फंक्शन में करके जा सकते हैं एंड बहुत ही सुंदर सा लगेगा। सटल है एंड इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये फाइनल लुक, तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है लैक्मे का टोनर, जिसको मैंने अपने फेस पर स्प्रेड कर लिया है एंड उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। टोनर बहुत ही ज़रूरी होता है यूज़ करना, बिकॉज ये आपके एक तो फेस को क्लीन करता है, प्लस आपकी जो भी ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने में काफ़ी हेल्प करता है। देन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लैक्मे की लूमी क्रीम एंड ये काफ़ी अच्छी है। ये मॉइस्चराइज़र है बेसिकली एंड ये हल्का सा ना एक इसमें इल्यूमिनेटर भी डला हुआ है, तो एक आपके बेस में बहुत अच्छी सी शाइन लाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कंसीलर फॉर पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स या फिर एक्ने के स्पॉट्स जो होंगे आपके फेस पे, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड ये सारे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको हाइड कर देता है, बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने फिर यूज़ किया है मेबलिन का फाउंडेशन एंड इट्स अ मीडियम कवरेज टाइप्स है, तो वो काफ़ी अच्छा है। लाइक समर में हमें मेकअप करना है तो बहुत अच्छे से लुक निकल के आया है इसका। ऑलमोस्ट 3 to 4 hours आपका अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज इतना ही आपको एक फंक्शन में चाहिए होता है। अगर आप डे फंक्शन में किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसको सारे में लगा लीजिएगा। देन नेक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा मेकअप करते हुए नेक को कई बार अवॉइड कर देते हैं, ईयर्स को अवॉइड कर देते हैं, तो वो हमेशा याद रखिए। फाउंडेशन लगाना बहुत जरूरी होता है इन चीजों पे। देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट एंड ये काफ़ी अच्छा है। इसको अभी मैं फिलहाल में भी यूज़ कर रही हूँ। लाइक अगर जैसे मुझे कहीं पे भी जरा सा टचअप देके जाना होता है तो मैं ये वाला लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्रशेज एंड ब्रशेज ये काफ़ी अच्छे हैं एंड ये मैंने अमेजन से ही बाय करे हैं, जिसको मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ अपने हॉल वीडियो में। मेकअप ब्यूटी हॉल वीडियोज़ आती हैं तो उसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, बताती हूँ उनके बारे में। एंड देन यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैंने लिया है पी शेड, जो लाइक मैं हल्का सा सटल आई मेकअप दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग का प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत लंबी वीडियो जाएगी, बट ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आई शेडो। अगर आप अप्लाई करते हो अपने आईज़ पे तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। देन यहाँ पे मैंने फिंगर्स की हेल्प से हल्का सा एक शिमरी सा टच दे दिया है जो बहुत अच्छा लग रहा है एंड लाइट कॉम्बिनेशन टोन रखा है, बिकॉज जैसा मेरे ड्रेस में है रेड एंड हल्का सा गोल्डनिश टोन, तो मैंने उसी तरह का लिया है। और फिर मैंने उसके बाद अप्लाई किया है अपने अंडर आई पे भी वही शेड पीच, जो काफ़ी अच्छा लगता है, हल्का सा बोल्ड सा लुक देता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो डे मेकअप है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। मैंने आईलाइनर मंगाया था जो कि बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं इफ़ यू आर बिगनर, और या फिर अगर आप मेकअप करते हैं बहुत अच्छा तो भी आप ले सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अफोर्डेबल प्राइस में है एंड बहुत ही स्मूथली लग जाता है। यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा लिया है। देन यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्रो पेंसिल और इससे मैंने अपने पहले तो आईब्रोज़ को अच्छे से बना लिया है, फिर उसके बाद मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। बट इसमें मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक कलर, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि ये हमेशा मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ, बट मैंने इस बार सोचा ठीक है एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ब्लैक के लिए भी जाते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ ब्लैक बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, बिकॉज उससे क्या होता है एकदम ना हाईलाइट हो जाती हैं आपके आईब्रोज़, नेचुरल लुक बिल्कुल नहीं लगता है। हालांकि आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लगा है क्योंकि मैंने पहली बार यूज़ किया है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, अगर मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था, मतलब ब्राउन बेस्ट है, ब्राउन के लिए ही जाइएगा आप।
अदरवाइज आईब्रो पेंसिल अच्छी है, इसमें आपको शेड्स मिल जाते हैं ब्लैक और ब्राउन का, तो ब्राउन के लिए आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का काजल। देन यहाँ पे मैंने लॉरेल पेरिस का मस्कारा, थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे अगेन ये भी, तो उसको आप चाहो तो ना भी लो, मेबिलिन का ले सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं। उसके जितने भी आए हैं सारे अच्छे, येलो पर्पल ब्लैक वाला जो भी आता है सारे बहुत अच्छे हैं, मेबिलिन के लिए आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू चेकआउट। एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड का ये कंसीलर प्लस कॉन्टोर, तो कंसील तो मैंने इससे नहीं किया बट मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड इसमें आपको दो की क्वांटिटी में परचेज करना होता है बट ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आई थिंक 125 इस तरह का आपको मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ लाइक ओके एंड क्रीम टाइप्स में है तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन इसको ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही अच्छा से एक फेस को लुक मिल जाता है, कट मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली कॉन्टोरिंग कीजिए। अगर आपका फेस हल्का सा हैवी लाइक थोड़ा सा चबी चबी टाइप्स है तो उसको एक शेप देने के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन लैक्मे 9 to 5 एंड ये अच्छे से आप लगा लो अपने गालों पे, थोड़ा सा एक ब्लश दिखाने के लिए बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था मेरा, तो मैंने इसको क्या किया थोड़ा सा, अगर आपको इसको लाइट करना है तो ब्लेंडर से आप थोड़ा सा स्प्रेड करो तो वो हल्का सा लाइट हो जाता है। एंड वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज डे मेकअप है, मैं ज़्यादा ऐसा भी नहीं चाहती थी कि हाँ बहुत ज़्यादा पिंक पिंक सा लगे फेस मेरा, तो मैंने हल्का सा उसको स्प्रेड कर लिया और वो अच्छे से आप देख सकते हो मर्ज भी हो गया मेकअप के साथ। देन यहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग जो करी है वो सेम रेवोल्यूशन की पैलेट से ही कर रही हूँ एंड इसको मैंने अपने चीक बोन्स पे लगाया है एंड आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्टली अच्छे से लगा है। देन नोज़ पे लगाया है, क्यूपिड ऑफ द बो पे लगाऊंगी, देन हल्का सा आप चिन पे लगा लो और फोरहेड पे लगा लो तो काफ़ी अच्छा सा लुक निकल के आता है। थोड़ा सा आईब्रोज़ के नीचे भी लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आप देख सकते हो मैंने सेम ब्रश के जो आपको ब्रशेस दिखाए थे उसी से ही मैंने सारा मेकअप किया है, यहाँ पे मैंने अलग से कोई हाइलाइटिंग का अलग से ब्रश नहीं लिया, उसी को मैंने बीच में से आप उस पर फिंगर रख सकते हैं, उसको स्प्रेड करके थोड़ा सा लगा सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है विच इज़ मस्ट हैव, कोई से भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसाइड का ही लो, कोई से भी ले सकते हो। कलर बार का बहुत अच्छा आता है सेटिंग स्प्रे तो आप वो भी ले सकते हो। सेटिंग स्प्रे से आपका जो सारा आपने इतनी मेहनत लगा के मेकअप किया है वो सेट रहता है एंड कहीं पर भी नहीं आपका हिलता डुलता, मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक चलेगा, चाहे आपका फाउंडेशन की कवरेज कितनी भी हो बट आपका जब आप सेटिंग स्प्रे कर देते हो फेस पे तो वो बहुत ही अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है एंड लंबे टाइम तक चलता है। देन यहाँ पे मैंने ली है इनसाइड की नॉन ट्रांसफरेबल लिप शेड, ये लिक्विड लिप शेड है और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ बट मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा 2-3 कोट के बाद इसमें अच्छा कलर आता है, एक बार में नहीं आया कि लाइक आपने एक बार लगाया और आपको वो अप्रोप्रिएट कलर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको 2 कोट्स एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे देन आपको प्रॉपर एक शेड मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सुंदर शेड है, तो अगर आप न्यूली वेड हो या फिर अगर आपको रेड शेड बहुत अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। देन छोटी सी बिंदी लगा ली और फिर सिंदूर लगा लिया एंड देन दैट्स इट। अब हम अपने बालों को कॉम कर लेते हैं और एक नॉर्मल से मैंने आपको लुक दिखा दिया है जो कि बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल सटल एंड सोबर सा लुक है। बाकी आप इयररिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, मैंने अभी इसमें चेंज नहीं किए हैं। फिर ये जो मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल है बैक टू दिस, सो आपको मैंने दिखा दी एक लचा लगा के क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक लचा सा लगाया, सिंपल सी फ्लीक्स निकाल ली एंड दैट्स इट, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको कुछ और हेयर स्टाइलिंग आती है तो आप वो भी कर सकते हो बट मेरे फेस पे मुझे लगता है कि मेरे को ये ज़्यादा सूट करती है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है।
एंड देन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा एक वाइटिश जो मेरे बालों के बीच में गैप दिख रहा था, तो मैंने उसको फिल आउट कर लिया विद दिस आईब्रो पेंसिल एंड उसमें हल्की सी शेडिंग सी कर दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ जाता है, बहुत सुंदर लुक निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।